आप देख रहे हैं दी घंटा और मैं हूं नेहा। कोलकाता चुनाव शुरू होने में महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं। इसी दौरान राज्य में दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इसी बीच अब भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। सोमवार को वह टीएमसी में शामिल हुई। टीएमसी में शामिल हुई सुजाता ने कहा कि मैं अपने पसंदीदा नेत्री के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं हमेशा चैलेंज लेना पसंद करती हूँ, तो जिसमें जो चैलेंज लेने के बाद मेरा सम्मान नहीं मिलेगा वो चैलेंज का क्या फायदा। तो मैं उस पार्टी तब किया था जब वो पार्टी का दूरदीन था और पार्टी से मेरे को कुछ भी सुविधा नहीं मिला और मैं उस पार्टी से कुछ सुविधा लेके भी नहीं ज्वाइन किया। बाकी सारा लोग तो आज जो इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी कर रहा है, आप अच्छी तरह से गौर करके ये देख लो कि वो सब जो पार्टी छोड़ के आ रहा है वो पार्टी से सुख सुविधा पूरा हासिल करने के बाद जब सोच रहा है इस पार्टी में मुझे टिकट नहीं मिलेगा, इस पार्टी का अभी खराब समय आ रहा है, तो मैं अच्छे समय के लिए और ज्यादा भोग करने के लिए मैं उस पार्टी में चला जाएगा जिस पार्टी का वो सोच रहा है कि अच्छा दिन आ रहा है। देखिए मैं उस टाइप का हूँ नहीं, मैं लड़ना पसंद करती हूँ और खून पसीना से लड़ना पसंद करती हूँ और मैं जिस पार्टी में आज से ज्वाइन कर रही हूँ उस पार्टी का जो टॉप मोस्ट लीडर है, जो हमारा सबका मतलब चाहिदा सबका फेवरेट लीडर है, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, वो मतलब हमारा हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है और महिला लीडर तो उनका मतलब कौन कंपटीशन ही है नहीं। मैं ममता बनर्जी को देख के, उनका आदर्श देख के और अभिषेक दा को देख के मैं इस पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ और सबसे बड़ी बात है आज से मैं इस पार्टी का पूरा ख्याल रखूंगी और ये पार्टी से मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा और आप सबकी दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और आप सबको आशीर्वाद दुआ लेके सुजाता आगे दिन तृणमूल कांग्रेस को प्राउड फील कराए, ये आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं पहले एक बात बोल चुकी हूँ कि फैमिली मैटर में रहने दीजिए और पॉलिटिक्स की जगह में वो और फैमिली की जगह में, क्योंकि फैमिली और पॉलिटिक्स कभी एक नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है मुझे ये लगता है कि बांग्ला में अभी जो लड़ाई चाहिए और उस लड़ाई के बांग्ला माँ को सुरक्षा रखने के लिए, बांग्ला माँ को सुरक्षित करने के लिए, बांग्ला में मतलब डेमोक्रेसी एकदम प्रतिष्ठित करने के लिए मैं इतनी बड़ी चैलेंज लिया जिसमें आप लोग सबकी दुआ चाहिए और अभी बंगाल में सब कुछ के लिए बंगाल में अच्छा दिन आने के लिए मैं ये घर ये परिवार सबको अभी दिमाग से हटाया। ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप हमारे चैनल दी घंटा आपको फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशंस के जरिए आपको पता चल सके। शुक्रिया।